डॉक्टर अंबेडकर बोध बिहार के प्रांगण में है। यहाँ पर आज प्रवज्जा शिविर का समापन किया गया, जिसमें श्रामणेर भिक्खु लोग और उपासकगण एक साथ खड़े हैं, जिसमें सभी का फाइल फ़ोटो लोगों द्वारा खींचा गया। हम भी अपने चैनल पे दिखा रहे हैं इस समय, और यहाँ पर सभी भिक्खु लोग मौजूद हैं। इसी में उपासक, धम्म उपासक और भिक्खु अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बोल सकते हैं। सभी भिक्खु लोगों को वंदाम और उपासक लोगों को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। और अगर कुछ कोई भिक्खु कुछ बोलना चाहता है हमारे चैनल पे तो कह सकते हैं। कोई धम से सामनेर से आप लोग पूछिए कि कैसा लगा हूँ। आप लोग भिक्खु जी, आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आपने एक सप्ताह का श्रामनेर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर के आपने भाग लिया, आज समापन है, तो आप इस प्रशिक्षण में आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किए? बहुत कड़ाके की ठंड भी बीच में चल रही थी लगातार, कुछ बोलेंगे? आपसे बोलना, चलिए अच्छा आप बोलिए भिक्खु जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कर्णधार संस्थापक संचालक माननीय हरभजन जी को, जो कि हम लोग की इतनी जो अनजान थे और ये कार्यक्रम रखा गया पहली बार, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ अगली बार फिर कभी भविष्य में होता है तो मेरा नाम बिना लिखाए हुए उसमें आना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से और जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक जानकारी हमको नहीं मिलेगी तब तक हम समाज में चल नहीं पाएंगे, और चल नहीं पाएंगे तो समाज का कार्य नहीं होगा। मेरा श्रामणेर नाम शिलानंद है और गृहस्थ नाम दिलीप कुमार बौद्ध। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप बंथे जी कुछ बोलेंगे? हाँ, एक मिनट। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ कि आप ये धम्म का कवरेज कर रहे हैं, और ये हरैया बुद्ध विहार, डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हरैया के संचालक श्रद्धे आर बी त्रिषण साहब के संचालन में ये 9 दिन का प्रवज्ञा कार्यक्रम पिछले 5 जनवरी से और आज 13 जनवरी तक परम पूज्य भिक्षु भंते शाक्य मुनि के निर्देशन में चल रहा था। उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ, जो धर्म के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम था, बहुत सारे भ्रम थे, बहुत सारी दुविधाएँ थी, मार्ग को हम लोग केवल शील समाधि तक ही जानते थे, लेकिन अभी हमारे जो पूज्य भंते शाक्य मुनि जी ने किस तरह से हमें शील को प्राप्त करना है, किस तरह से हमें समाधि तक पहुंचना है, और किस तरह हमें प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना है, और इन तीनों के माध्यम से हम किस तरह से अपने विकारों को पूरी तरह से आमूल जो आश्रव हैं, विकार हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, और अपने चित्त को हम पूरी तरह से पवित्र बना सकते हैं। इस 9 दिन के गहन प्रशिक्षण में हम लोगों को ये सब मार्ग मिला है। हम लोग अब अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से हम लोग अपने चित्त के जो विकारों को है पूरी तरह से नष्ट करना चाहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। साधु साधु साधु। सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैंने 4 तारीख को शाम को सुना कि पूज्य भंते जी के द्वारा एक कार्यक्रम होना है। मैंने तुरंत जो है हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जब से भी भंते जी से जुड़ा हूँ इनकी बात मुझे पूरी तरह प्रभावित करती हैं, और इन्हीं को सुनकर के मैं चला आया। और यहाँ का जो है अम्बेडकर बुद्ध विहार में जो व्यवस्था रही बहुत अच्छी रही। मैं यहाँ के सभी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूज्य भंते जी के द्वारा जब भी काम कार्यक्रम होगा मैं बराबर आता रहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नाम शीलवंश। काफ़ी उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी 5 जनवरी से 13 जनवरी तक
पूज्य भंते जी के कुशल प्रशिक्षण में ज्ञान ग्रहण करने काफ़ी रुचि ली, और आप समस्त लोगों को यह धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समिति के अग्रगण्य लोगों ने हमको सिर्फ फ़ोन किया और मैं इस अस्वस्थ हालत में भी तैयार हुआ और बड़े ढंग से हमारा प्रशिक्षण शुरू समाप्त हुआ। मुझे यह देखकर भी गर्व हुआ कि 1967 में जब मैं डिग्री कॉलेज पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर साहब हंस हंस कर पढ़ा रहे थे, और उसी तरह से हमारे भंते जी ने हम लोगों का परीक्षण हंस हंस करके दिया, जो बहुत अच्छा लगा और हम सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय। जय सर। प्रथम मैं डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कनिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अच्छे देखरेख में ये आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों को भाग लेने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि ऐसा अवसर बार बार आए, जिससे यहाँ के नौजवान, यहाँ की जनता जागरूक बने और क्षेत्र और समाज में विकास कर सके। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शांत रक्षित श्रामणेर 5 जनवरी से और आज 13 जनवरी तक श्रामणेर प्रशिक्षण में रहा। पूज्य भंते जी के द्वारा धर्म की बहुत सारी जानकारियाँ हुई जो हम लोगों को नहीं थी। समाज में कैसे हम लोग समाज को संचालन करेंगे, कैसे उस पर भी भंते जी ने कुशलतापूर्वक हमको प्रशिक्षण दिया, और ये प्रशिक्षण बड़ा ही सफल रहा। मैं यहाँ की जो हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय ये शिवाकांत बौद्ध जी हैं, और वरिष्ठ पदाधिकारी श्रद्धेय रामसेवक जी हैं, इन लोगों ने सारी व्यवस्था बड़े ही कुशलपूर्वक निभाया। मैं इन सभी को साधुवाद देता हूँ। इसी कड़ी में अब हम आप भंते जी जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे, जो आप नागपुर से इस कड़ाके ठंड में आ करके यहाँ पर श्रामनेर भिक्खु को आपने प्रशिक्षण दिया, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? आपको सबसे पहले बंदाम भंते जी। साधु साधु। नमो तस्स सम्मा संबुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। जैसा कि आप सभी ने अभी तक जाना कि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हरैया बस्ती में सामनेर पबज्जा और धम्म प्रशिक्षण का जो ये सत्र रहा 5 जनवरी से और 13 जनवरी तक का, इसमें जब मुझे शुरुआत में पता चला हमारे उपासक श्रद्धेय शिवाकांत बौद्ध जी द्वारा, उन्हें मुझे 2-3 बार उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा भंते जी हमारे यहाँ पर भी सामनेर पबज्जा का कार्यक्रम और धम्म प्रशिक्षण आपके द्वारा संभव कराए जाने का ये जो प्रस्ताव है हमारी संस्था द्वारा लिया गया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर भी ये प्रशिक्षण देने के लिए अपना समय यहाँ पर दें। मैंने उनके फ़ोन के बाद ही, नागपुर में बहुत ठंड थी और अभी भी बहुत ठंड है, जनवरी का महीना है, तो सिर्फ क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि भिक्षुओं चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हत्था हिताय देव मनुष्यानंग, क्योंकि भगवान ने कहा है भिक्षुओं चारिका करते रहना, और एक भिक्षु के रूप में होते हुए मुझे भगवान के ये वचन अंदर तक इसके लिए प्रेरित करते हैं कि आज जो हमारे देश में हालत है कि यहाँ पर निम्न वर्गों में जो अलग अधम्म की भावना फैल गई है और ये जो अज्ञानता फैली हुई है ये किस प्रकार दूर की जाएगी, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है कि वो है भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया जो धम्म है, सिर्फ वही। तो मैंने इस बात को समझते हुए नागपुर से और यहाँ बस्ती ज़िले में आकर यहाँ पर हमारे महाउपासक बस्ती ज़िले के RB तीसरन जी के नेतृत्व और उनके सभी सहयोगियों द्वारा यहाँ पर
व्यवस्थाओं के द्वारा कि इतनी ठंड में भी उन्होंने सभी सामनेरों के लिए ये व्यवस्थाएं जो की ये बहुत ही अच्छे ढंग से की गई और आगे भी भविष्य में उनके द्वारा आज ये बात कही गई है कि प्रत्येक वर्ष दो बार साल में इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाएगा आगामी वर्षों में भी, जिससे कि हम समय समय पर धम्म का प्रचार, धम्म का जो फिनोमिना जो बुद्ध द्वारा दिया गया है, जो आम जन के लिए ही नहीं और इस लोक में रहने वाले सभी सत्वों के लिए पूर्ण लाभदायक है, क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग दुख से मुक्ति देने का मार्ग है। तो ये दुख से मुक्ति सभी सत्वों को प्राप्त हो, इसके लिए भिक्खु संघ पूरा कार्यरत है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये अलग तरह के जो वस्त्र जिसे चीवर के नाम से जाना जाता है, इसे प्राप्त करते समय भी जो इसे प्राप्त करता है उसके द्वारा ऐसा बोला जाता है, सब दुख निस्सरण निब्बान सच्चीकरणत्थाया इमं कासावंग हेतवा पब्बा जेथा मंग भन्ते, सारे दुखों का नाश करने के लिए, निब्बान का साक्षात करने के लिए मैं इस कासाय वस्त्र को धारण करना चाहता हूँ, कृपया भन्ते जी अनुकंपा करके मुझे कासाय वस्त्र दीजिए। तो ये जो वाक्य आपने सुना है ये वास्तव में ही दुखों से मुक्त होने के लिए इस वस्त्र को ग्रहण करके हम ये भारत देश भगवान बुद्ध की भूमि पूरे विश्व में यहाँ से गया हुआ धम्म इसी वस्त्र में रहकर आज इसका पालन किया जाता है। दुनिया के 140 देशों में भारत में बुद्ध गया में भी 130 के करीब विहार हैं और दुनिया के 140 देशों में भगवान बुद्ध की जो चेतना फैली है वो कल्पों कल्पों तक रहेगी। ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म यूं ही कल्पों कल्पों तक फैलता रहे। आप सभी सुखी रहें, आप सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।